बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 2017 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड द क्वेश्चन इज द टेबल ऑफ हेयर कलर्स एंड आई कलर ऑफ 200 पर्संस इज गिवन बिलो। हेयर कलर और आई कलर का टेबल गिवन है 200%, 200 लोगों का ये डेटा गिवन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस डैट हेयर एंड आई कलर्स आर इंडिपेंडेंट। हमने टेस्ट करना है कि हेयर कलर और आई कलर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब ये जो हेयर कलर्स और आई कलर है ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। जब हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान डिपेंडेंस को टेस्ट करना हो तो काई स्केयर टेस्ट यूज़ करते हैं। वैसे उसने क्वेश्चन में भी मैंशन किया हुआ है द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्केयर फॉर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज। टेबल वैल्यू ऑफ काई स्केयर इज 9.49। टेबल वैल्यू ऑफ काई स्केयर इज 9.49। तो हमने काई स्केयर टेस्ट को यूज करके हमने चेक करना है कि क्या हेयर एंड आई कलर्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो पहले हम इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है, जो एच नॉट एच वन डिसीजन रूल है, वो लिखेंगे, फिर हम इसका फार्मूला लिखेंगे। एच नॉट है हेयर एंड आई कलर्स आर इंडिपेंडेंट, नल हाइपोथेसिस इज हेयर एंड आई कलर्स आर इंडिपेंडेंट। एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सेम स्टेटमेंट, सिर्फ आर के बाद नॉट लिखेंगे। हेयर एंड आई कलर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेबल वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो डायरेक्ट इसके बाद हम डिसीजन रूल लिखते हैं। डिसीजन रूल इज रिजेक्ट एच नॉट इफ काई स्केयर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्केयर टेबुलेटेड, और टेबुलेटेड वैल्यू है 9.49। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 9.49 से ग्रेटर हुई तो फिर एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब कि दोनों कलर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 9.49 से ग्रेटर ना हुई तो फिर एच नॉट एक्सेप्ट होगा, और एच नॉट एक्सेप्ट होने का मतलब कि दोनों कलर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। डिसीजन रूल के बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी जो कैलकुलेटेड का स्केयर है उसका फार्मूला, और इसका फार्मूला है सुमेशन ओ माइनस ई होल स्केयर डिवाइडेड बाय ई। ये कैलकुलेटेड काई स्केयर का जो फार्मूला है, इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड के साथ। अगर इस फार्मूले से जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू 9.49 से ग्रेटर होगी तो एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर वो वैल्यू 9.49 से लेस होगी तो एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके लिए पहले हमें ई फाइंड करना पड़ेगा। ई क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ओ क्या है? ओ है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। अब कैलकुलेटेड के लिए हम इसी तरह का एक और टेबल जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम ई से डिनोट करते हैं।
अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को इसी टेबल की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। इस टेबल के टोटल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर टोटल गिवन ना होते तो पहले हमने इन कॉलम्स और रोज़ के टोटल करने थे, क्योंकि इन टोटल्स को यूज़ करके हमने इक्वी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो नंबर वन, हम ये जिधर 26 है, 26 की क्रॉसपॉन्डिंग हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने लगे, और उसका जो प्रोसीजर, उसकी जो टेक्निक है, 26 वाले कॉलम के टोटल को 26 वाली रो के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करेंगे। यानी ये आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200। 70 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200, तो ये वैल्यू आ गई 21। नेक्स्ट, अब 25 की क्रॉसपॉन्डिंग हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 वाले कॉलम का टोटल है 70 और 25 वाली रो का टोटल है 88। अब आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200। 70 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200, तो ये वैल्यू आ गई 30.8। नेक्स्ट, अब 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ, 70 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200। नेक्स्ट वैल्यू इज, ये आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200, ये वैल्यू आ गई 18.2। तो फर्स्ट कॉलम की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने कैलकुलेट की, अब इनको ऐड करते हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट कॉलम का टोटल है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के टेबल में भी फर्स्ट कॉलम का टोटल वही आना चाहिए, टोटल दोनों टेबल्स में सेम होने चाहिए। तो 21 प्लस 30.8 प्लस 18.2, तो ये आ गया 70। तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टेबल में भी फर्स्ट कॉलम का टोटल 70 है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के टेबल में भी फर्स्ट कॉलम का टोटल 70 आया। अब सेकंड कॉलम में इसी तरह हम ई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो अब हम 21 की क्रॉसपॉन्डिंग ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 21 वाले कॉलम का टोटल है 81 और 21 वाली रो का टोटल है 60, तो ये आएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200। 81 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200, 24.3। नेक्स्ट, 81 मल्टीप्लाई बाय 88, 81 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200, 81 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200। नेक्स्ट वैल्यू इज 35.64, 35.64। नेक्स्ट, 81 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200, 81 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200, तो ये वैल्यू आ गई 21.06। अब इन वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो ये टोटल 81 आना चाहिए। 24.3 प्लस 35.64 प्लस 21.06, तो ये टोटल आ गया 81। लास्ट कॉलम की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं, 13 की क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 49 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200, 49 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200, ये वैल्यू आ गई 14.7। नेक्स्ट, 49 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200, 49 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200। नेक्स्ट वैल्यू इज 21.56। लास्ट, 49 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200, 49 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200। नेक्स्ट वैल्यू इज 12.74।
अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो थर्ड कॉलम का टोटल 49 आना चाहिए। 14.7 प्लस 21.56 प्लस 12.74 ये आ गया 49। तो तीनों कॉलम्स के टोटल सेम है। अब रोज तीनों रोज के भी टोटल करते हैं वो भी सेम आना चाहिए। फर्स्ट रो की जो एंट्रीज हैं वो है 21, 24.3 एंड 40, 14.7। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल 60 आना चाहिए। 21 प्लस 24.3 प्लस 14.7 ये आ गया जी 60। सेकंड रो की जो वैल्यूज़ हैं 30.8, 35.64, 21.56 इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल 88 आना चाहिए। 30.8 प्लस 35.64, 21.56 ये आ गया 88। लास्ट वाली रो की जो वैल्यूज उनको ऐड करते हैं 18.2 प्लस 21.06 प्लस 12.74 ये आ गया जी 52। तो रोज़ के टोटल और कॉलम्स के टोटल सेम आ गए। अब ये कॉलम्स के टोटल को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और रोज़ के टोटल को भी ऐड करेंगे तो ग्रैंड टोटल आ गया 200। अब इसके बाद हमने कैलकुलेटेड काई स्क्वायर के लिए जो टेबल हमने कंप्लीट करना है उसमें फर्स्ट कॉलम में आएगा ओ, ओ की वैल्यूज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ई, नेक्स्ट आएगा ओ माइनस ई, देन ओ माइनस ई होल स्क्वायर और लास्ट ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब ओ की वैल्यूज पहले लिखेंगे। अब जिस सीक्वेंस में आप या जिस तरतीब से आप ओ की वैल्यूज लिखेंगे, यानी अगर आप रो वाइज लिखेंगे तो आपने ई की वैल्यूज भी रो वाइज लिखनी है, और अगर आप ओ की वैल्यूज कॉलम वाइज लिखेंगे तो आपने ई की वैल्यूज भी कॉलम वाइज लिखनी है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सामने सामने आने चाहिए। 26 के सामने 21 आना चाहिए, 21 के सामने 24.3 एंड सो ऑन। तो मैं रो वाइज वैल्यूज लिखने लगा हूं। तो पहले मैं ओ की वैल्यूज लिखता हूं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं 26, 21, 13, ये जो टोटल वाली वैल्यूज हैं ये नहीं आपने लिखी। नेक्स्ट रो में 25, 42, 21 और लास्ट में 19, 18 एंड 15। 19, 18, 15। अब इसी तरतीब से हम ई के कॉलम में वैल्यूज लिखेंगे। तो पहले फर्स्ट रो की जो ई की वैल्यूज हैं 21, 24.3, 14.7, नेक्स्ट 30.8, 35.64, 21.56, लास्ट रो की वैल्यूज 18.2, 21.06, 12.74। अब हम O की वैल्यूज में से E की वैल्यूज को माइनस करते हैं। 26 माइनस 21 ये आ गया 5, 21 माइनस 24.3 ये माइनस 3.3 आ जाएगा, 13 माइनस 14.7 ये आएगा माइनस 1.7, 25 माइनस 30.8 ये माइनस 5.8 आएगा, 42 माइनस 35.64 ये आ गया 6.36, 21 माइनस 21.56 ये माइनस 0.56 आएगा, 19 माइनस 18.2 0.8 आ जाएगा, 18 माइनस 21.06 माइनस 3.06, 15 माइनस 12.74 तो ये आ जाएगा 2.26। अब ये जो O माइनस E की वैल्यूज आई हैं, अभी इस कॉलम की हर वैल्यू को हमने स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव वैल्यूज जितनी भी हैं उन सब के स्क्वायर पॉजिटिव आएंगे। इट मींस के इस कॉलम में, स्क्वायर वाले कॉलम में और ये लास्ट वाले कॉलम, इन दोनों कॉलम्स में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी।
तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 3.3 का स्क्वायर लेंगे। जब आपने स्क्वायर लेना माइनस यूज़ ही ना करें, क्योंकि माइनस अगर आप टाइप भी करते हैं माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस होता है। नेगेटिव पावर के ऊपर, नेगेटिव साइन के ऊपर अगर पावर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, अगर नेगेटिव साइन के ऊपर पावर ऑड नंबर हो तो वो साइन नेगेटिव ही रहता है। स्क्वायर क्यूब के पावर 2 जो है, स्क्वायर जो है वो इवन नंबर है, इसलिए जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो 3.3 का स्क्वायर आ जाएगा 10.89। इस कॉलम में, मैं फिर बता रहा हूँ, इस कॉलम में कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं आना, ना ये वाले कॉलम में आना ना ही इस कॉलम में आएगा। नेक्स्ट 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा 2.89, 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64, 6.36 स्क्वायर इज इक्वल टू 40.4496, 0.56 का स्क्वायर आएगा 0.3136, 0.8 का स्क्वायर है जी 0.64, 3.06 का स्क्वायर आ जाएगा 9.3636, 9.3636, 2.26 स्क्वायर ये आ गया 5.10576। अब हमने ये जो स्क्वायर वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 4, इसको हमने डिवाइड करना है ई की वैल्यूज़ पे, कॉलम नंबर 2 पे। 25 डिवाइडेड बाय 21 ये आ गया 1.1905। इसी तरह हम 10.89 को डिवाइड करेंगे 24.3 पे, 10.89 डिवाइडेड बाय 24.3 ये आ गया 0.4481, 2.89 divided by 14.7, 0.1966, 1.0922, 40.4496 divided by 35.64, 1.1349, 0.3136 divided by 21.56, 0.64 divided by 18.2, 0.0352, 9.3636 divided by 21.06, ये आ गया 0.4447, 5.1076 divided by 12.74, 0.4009। अब ये जो लॉस्ट कॉलम है, इसका जो टोटल है, इसका टोटल आएगा काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड है, समेशन ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब इस इन वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, 1.1905 प्लस 0.4481 प्लस 0.1966 प्लस 1.0922 प्लस 1.1349
+0.0145 +0.0352 +0.4447 +0.4009। तो ये टोटल आया 4.9576। तो ये 4.9576 जो है ये कैलकुलेटेड काई स्क्वायर आ गए, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई काई स्क्वायर की। अब हम कंक्लूड करते हैं इसको, ये आ गई जी कैलकुलेटेड वैल्यू 4.9576। अब इसका कंक्लूजन, अब ये जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि 4.9576 जो है वो 9.49 से लेस है, लिहाजा वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, और यहाँ आप लिख सकते हैं वी एक्सेप्ट एच नॉट। इट मीन्स हेयर एंड आई कलर्स आर इंडिपेंडेंट। अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 9.49 से ग्रेटर आ जाती तो फिर हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।